अब गर्भवती स्त्री कयाधु नारद जी के सानिध्य में है, नारद जी उसको क्या करते हैं, रोज भगवान की कथा सुनाते हैं, आईपैड नहीं चलाते, आईफोन नहीं चलाते। आजकल की गर्भवती माताएं वैन टीवी देखती हैं, डॉक्टर परमानेंट कहते हैं बेड रेस्ट है। अब बेड रेस्ट है तो रसोई में भी नहीं जाना है, 24 घंटे बेडरूम में ही रहना है। है हाँ है हाँ हूं कि नहीं बोलो। अब बेडरूम में रहना है तो क्या करना है, 24 घंटे क्या करें, कभी ये फिल्म देखनी, कभी ये फिल्म देखनी, कभी ये सीरियल देखना, कभी ये सीरियल देखना। अच्छा तुम देख रहे हो, सीख वो रहा है जो अंदर बैठा है, सीख वो रहा है। 24 घंटे मोबाइल मोबाइल लेके तुम चलाते रहते हो, सीख वो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आजकल रोते हुए बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो चुप होता है कि नहीं, ये मां की करतूतों का फल है। बच्चा रो रहा है मोबाइल पकड़ा दो हैप्पी, अरे इस मोबाइल में तू क्या जाने भाई, दो दिन का बच्चा पैदा हुआ है अभी तू मोबाइल से खुश है क्योंकि उसने सुनाई है गर्भ में टिनिन टिनिन मैसेज की आवाज, बेल की आवाज सब सुना है, उसी को लगता है वही उसको फेमिलियर लगता है। जैसे परीक्षित गर्भ में भगवान का दर्शन करके हर किसी में भगवान को देखता है, वैसे आजकल के बच्चे हर जगह पर मोबाइल की आवाज सुन के मोबाइल में ही मस्त रहते हैं। आप लोग हम लोगों को मनुवादी कह देते हो और हम आपके या हम जैसे लोग संत महात्मा कथाकार आपके कल्याण की चर्चा करते हैं, और आप सुखी तब हो सकते हैं जब संतान अच्छी आपके घर में हो। अगर नालायक संतान आपके घर में तो आप हैप्पी नहीं रह सकते। रह सकते हैं, आपका बुढ़ापा खराब हो जाता है नालायक संतान हो जाए तो, बुढ़ापा क्यों, जवानी भी खराबी समझो, नालायक तो नालायक। किस किस के घर में लायक संतान है, लायक पूछ रहा हूं नालायक नहीं। अच्छा बताओ लायकों का रेशू ज्यादा है कि नालायकों का, जोर से बोलो है। तो माँ बाप तो ज्यादा बड़े कि बच्चे हैं, आपके बच्चे लायक बने उसी के लिए जरूरी है आप 9 महीने जितनी भी माताएं हैं या जो भी बाप बनने की तैयारी करते हैं, 9 महीने आपकी तपस्या आपके घर में लायक पुत्र और पुत्री को लेके आएगी। 9 महीने की तपस्या, अगर 9 महीने की आपकी तपस्या ठीक नहीं है तो आपके घर में लायक बच्चे नहीं आने वाले। 9 महीने माँ को भी तपस्या करनी चाहिए, 9 महीने पिता को तपस्या। अब वो पिता बोल रहे होंगे हमको क्या तपस्या करनी है, तुझे अपनी गर्भवती स्त्री के आगे अपशब्द नहीं बोलने, गाली नहीं देनी है, फाइट नहीं करनी है, 24 घंटा सांप बन के फुंकारते ही नहीं रहना है। वो कुल्हाड़ी वाला सांप अभी सुना तो है शुरू में, तेरा ध्यान रखे कि तेरे बच्चे का ध्यान रखे तेरी पत्नी। 9 महीने अगर वो तपस्या कर रही हैं, देवियां तपस्या कर रही हैं, तो पिता को भी तपस्या करना पड़ेगा 9 महीने। इवन मैं कहूं दादा दादी को भी करनी पड़ेगी तपस्या, या घर में सारे जितने भी लोग रहते हैं उनको भी तपस्या करनी पड़ेगी कि वो गलत शब्दों का प्रयोग कम से कम गर्भवती स्त्री के आगे न करें। अगर करेंगे तो ये फल उनको बच्चों के रूप में भोगना पड़ेगा।